नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा यदि किसी व्यक्ति ने आपके नंबर को ब्लॉक कर दिया है तो वापस उसके साथ दोस्ती या रिश्ता वापस आगे कैसे बढ़ाया जाए। जब कोई व्यक्ति हमारे मोबाइल नंबर को ब्लॉक कर देता है तो हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। फिर हम यह सोचने लगते हैं हम अपने नंबर को अनब्लॉक कैसे करवाएं ताकि हम सामने वाले व्यक्ति से बातचीत कर सकें। अगर आपका नंबर किसी लड़की ने ब्लॉक कर दिया है तो सबसे पहले आपको ये पता करने की कोशिश करनी चाहिए आखिर उसने आपका नंबर ब्लॉक किया ही क्यों है। कई बार ऐसा होता है आप जाने अनजाने में सामने वाले को कुछ ऐसी बात बोल देते हैं जो उसको पसंद नहीं आती, जिसके कारण वो आपका नंबर ब्लॉक कर देती है। इसीलिए जब सामने वाला व्यक्ति आपके नंबर मोबाइल नंबर को ब्लॉक कर दे तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल नंबर को ब्लॉक करने की वजह पता लगानी चाहिए, उसके बाद ही आगे बढ़ें। जब तक आपको वजह ही नहीं पता होगी तो आप उसका समाधान कैसे करेंगे। इसीलिए आप सबसे पहले ये पता करें कि समस्या क्या है, क्योंकि समस्या का कारण से ही समस्या का समाधान हो पाएगा। अक्सर ऐसा कई बार देखा गया है जब कोई लड़की अपने बॉयफ्रेंड या फिर किसी अन्य व्यक्ति के साथ मोबाइल नंबर ब्लॉक कर देती है तो लड़का परेशान हो जाता है और परेशान होने के बाद वो पागलों की तरह लड़की के साथ हरकतें करता है और दूसरे नंबर से अन्य किसी जरिए से उस लड़की से बार बार जल्द से जल्द संपर्क करने की कोशिश करता है। लेकिन जल्दबाजी में ऐसा करना आपके रिलेशन के लिए और भी नेगेटिव साबित हो सकता है और वो आपसे और ज़्यादा गुस्सा हो सकती है और आपसे दूर चली जाएगी। इसीलिए जब भी यदि कोई लड़की या सामने वाला आपका नंबर ब्लॉक कर दे तो थोड़े समय के लिए शांत रहना सीखें, जल्दबाजी में उठपटांग हरकतें ना करें। ऐसा करने से आप रिलेशन को और ख़राब कर सकते हैं। जब शांत रह के कुछ दिनों तक धैर्य बनाए रहेंगे तो खुद ब खुद समस्याएँ समाप्त हो जाएंगी। अगर वो लड़की आपको अपना अच्छा दोस्त मानती है या फिर आपसे प्यार करती है तो गुस्सा शांत होने के बाद खुद ही आपसे बात करेगी और नंबर को अनब्लॉक कर देगी और खुद ही आपके आगे जाके आपके रिलेशन के वापस संबंधों का आधार मजबूत बनेगा, क्योंकि समय के अंदर सबसे बड़े घाव को भरने की ताकत जो होती है। समय गुजरने के साथ साथ आदमी का दिमाग भी ठंडा हो जाता है और उसका गुस्सा भी शांत हो जाता है। यदि आपका कोई यदि भविष्य में यदि आपका नंबर कोई ब्लॉक कर दे या भी कर रखा है तो आप गुस्सा ना हो, शांत रखें और जल्दबाजी में उठपटांग हरकतें ना करें। नंबर को अनब्लॉक कराने के लिए तो है कुछ विशेष टिप्स जो नॉर्मल व्यक्ति को ध्यान रखने चाहिए, लेकिन हम बात कर रहे हैं ज्योतिष की। ज्योतिष विद्या की सहायता से आप अपने प्रेमी या प्रेमिका के नंबर अनब्लॉक कैसे करवा सकते हैं या करवा सकती हैं, इसके लिए मैं आपको कुछ प्रयोग बताऊंगा। इसके लिए आप क्या करें, एक पान का पत्ता लें और पान के पत्ते के ऊपर चंदन और केसर पाउडर मिला दें और लव रोमांस के कारक ग्रह शुक्र का प्रभावशाली यंत्र शुक्र यंत्र के सामने इस पान के पत्ते और जो केसर आपने जो रखा है उसको रख दें और उस लड़का या लड़की का नाम जिसे आप वापस पाना चाहते हैं या पाना चाहती हैं उनको इस चंदन और केसर दोनों को मिक्स करके इसका अच्छे से आप इसका नाम लिख दें और प्रतिदिन इसका तिलक अपने माथे और नाभि पे लगाएं। कुछ ही दिनों के पश्चात आप देखेंगे वो लड़का और लड़की ने आपका नंबर अनब्लॉक तो कर ही दिया है, साथ ही साथ खुद आगे आगे बढ़कर आपसे दोस्ती मोहब्बत का हाथ बढ़ाएगा या बढ़ाएगी। इस प्रकार का प्रयोग करने के साथ ही आप इस दुर्लभ यंत्र की प्राप्ति के लिए नीचे दिए गए नंबर से संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि लव रोमांस के कारक ग्रह शुक्र जो है व्यक्ति का वापस लव और रोमांस को बनाए रखते हैं। इसलिए आपको ये प्रयोग शुक्र यंत्र के सामने ही करना है। अपने प्रेमी या प्रेमिका से संपर्क बनाए रखने के लिए शुक्रवार के दिन सफ़ेद कागज पर मोर पंख की डंडी की सहायता से कुमकुम में इत्र मिलाकर इसकी साई तैयार कर लें और सफ़ेद कागज पर उस लड़की या लड़के का नाम लिखें जिसे आप पाना चाहते हैं और इस कागज़ को फोल्ड करके आप अपने कपड़ों की अलमारी में रख दें। कुछ ही दिनों के पश्चात आपका नंबर अनब्लॉक हो जाएगा। ज्योतिष और वास्तु के हिसाब से आप अपने कमरे में एक सिद्ध अभिमंत्रित प्रेमवृद्धि यंत्र भी रखें। प्रेमवृद्धि यंत्र के पीछे आप अपने बॉयफ्रेंड या उस व्यक्ति की पासपोर्ट साइज की फोटो भी लगा दें जिससे आप वापस पाना चाहते हैं या पाना चाहती हैं। उसके पश्चात इस यंत्र को 45 दिनों तक लाल कपड़े में लपेट कर अपने कपड़ों की अलमारी के बीच ढक कर रख दें और हर शुक्रवार के दिन इस 45 दिनों के बीच जितने भी शुक्रवार आएंगे शुक्रवार के दिन इस अलमारी में से यंत्र निकाल के इनके सामने कपूर जलाएं और दो लौंग डाल दें और वापस से अपने जीवन साथी की पुनः प्राप्ति करें जिसको आप पाना चाहते हैं या पाना चाहती हैं या अपना नंबर अनब्लॉक कराना चाहते हैं। 45 दिनों के बाद आप ऐसा कंटिन्यू करेंगे तो उसके पश्चात आप खुद ही देखेंगे आपका काम बन गया है और दोनों एक दूसरे के नज़दीक आ गए और आपका नंबर अनब्लॉक हो गया है। उसके पश्चात फिर से इस यंत्र को अलमारी में पड़े रहने दें ताकि भविष्य में आपका पार्टनर आपसे दूर ही न जाए और न ही किसी आकर्षण में आकर वापस आपका नंबर अनब्लॉक कर दे। तो ये प्रेम वृद्धि यंत्र भी बहुत ही प्रभावशाली
प्रभावशाली यंत्र है लव रोमांस को बनाए रखने के लिए। इसके अलावा आप अपने गले में लव रोमांस के कारक ग्रह जैसे कि मैंने आपको बताया शुक्र यंत्र के अलावा शुक्र का प्रभावशाली रत्न आता ओपल रत्न, इसे भी चांदी के अंदर गले में बनवाकर लाल धागे में धारण कर लेवे और प्रतिदिन ओम द्राम द्रीम द्रोम सा शुक्राय नमः मंत्र का जाप करें। इससे भी आपकी मैरिड लाइफ और साथ साथ में आपकी जो लव लाइफ है अच्छी बनी रहेगी। इसके अलावा आप प्रतिदिन ओम द्राम द्रीम द्रोम सा शुक्राय नमः मंत्र का जाप करके भी अपनी लव लाइफ को खुशनुमा बना सकते हैं। तो मेरे प्रिय मित्रों, ये थे अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के नंबर को ब्लॉक से अनब्लॉक कैसे किया जाए। इसके अलावा यदि आपकी लाइफ में कोई अन्य प्रॉब्लम चल रही है या फिर अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर से टेलीफोन अपॉइंटमेंट प्राप्त करके सीधा मुझसे साथ जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।